ओफो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, माँ नाराज हो जाएगी। माँ क्यों नाराज होगी, मैं ही उनसे नाराज हूँ। लेकिन क्यों बेटा, आप क्यों नाराज हो? कितनी पूजा करते हो आप, आपको तो ठीक करती ही नहीं। बेटा माँ हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, और जिस दिन मेरी परीक्षा पूरी हो गई ना, उस दिन माँ के दोनों पैर चलने लगेंगे, दोनों पैर दौड़ने लगेंगे। क्या तुम सच कह रही हो मम्मा? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। हे माँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज प्लीज। काफी रात हो गई, भगवती बैठी मेरा इंतजार करती होगी, मैं चलता हूँ। अगर भगवती की इतनी ही चिंता है तो मेरे पास आते ही क्यों हो? अगर वो ठीक होती तो मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो तुम्हारी पत्नी जो ठहरी, और मैं बस एक जरूरत। कोमल, तुम मेरी कसमकस को नहीं समझ सकती, तुम मेरी जरूरत से ज्यादा आदत बन गई हो। अगर भगवती मेरी बेटी पिंकी की माँ ना होती तो मैंने उसे कब का घर से निकाल दिया होता। गुरु, तुम एक बार मेरी मांग तो भर के देखो, मैं भी पिंकी जैसी खुशी तुम्हें दे सकती हूँ। पिंकी जैसी ना, मगर पिंकी नहीं। कल आओगे? आना तो पड़ेगा जानू, तुम्हारी आदत जो बन गई है। भूल रहे हो? ओ,
कल शॉपिंग करानी थी जानू। अरे ये देखो कोई मर गया। अरे कौन था ये भाई? अरे इसे तो खून बहुत बह रहा है। देखिए इसे बहुत खून बह रहा है, चलो चलो उठाओ इसे, लेकर चलो हॉस्पिटल को। अरे भाई कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा? अरे कैसे लोगो तुम, एक आदमी की जान दे रहे हो, पुलिस से डरो तुम लोग? अब कोई पुलिस परेशान नहीं करती, नहीं कोई आईडी मांगती, लेके चलो हॉस्पिटल में। अब ना कोई हॉस्पिटल फीस मांगेगा, ना इलाज करने के लिए मना करेगा। भाई जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, चलो लेके चलो, जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करो, चलो 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 उठाओ, चलो मेरी कार में लेके चलो, आऊंगा छोड़ देता हूँ। मम्मा आपका फोन। बेटा एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी। मिसेज गुरु दिस साइड। हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जी। मिस्टर गुरु का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो अभी आरके हॉस्पिटल में है। मम्मा मम्मा। बीबी जी। बीबी जी। बीबी जी। बीबी जी, बीबी जी, क्या हुआ? मुझे जाना है। क्या हुआ बीबी जी? मुझे जाना है। सब ठीक हो जाएगा बीबी जी, कोशिश कीजिए बीबी जी। हाँ बीबी जी, हाँ हाँ बीबी जी, क्या हुआ? हाँ बताइए ना बीबी जी, सब ठीक हो जाएगा बीबी जी। मेरे पैर ठीक हो गए? हाँ बीबी जी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी चलूंगी। बेटा आप कल जाना, आज मत जाओ। मम्मा प्लीज, मम्मा मुझे। अच्छा आ जाओ। डॉक्टर देखिए, हम 72 आज तक कुछ नहीं कह सकते हैं। प्लीज जस्ट वेट एंड वॉच एंड प्रे ऑल्सो। मम्मी पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा पापा ठीक हो जाएंगे। अरे ये पेशेंट का मोबाइल रखिए आप। थैंक यू। यू डोंट वरी एट ऑल, कुछ लोग पेशेंट को समय पर यहाँ ले आए थे, वरना ठीक इलाज नहीं हो पाता।
फिर खून भी काफी बह गया था और इंटरनल चोटें भी काफी आई हैं। भगवान पर भरोसा रखो, ऑल विल बी वेल सून। अब आप लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, यहाँ पर केयर करने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ है। कल फिर आ जाइएगा, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वैसे भी हमारे पास आपका नंबर है, और अटेंडेंट का हमारे यहाँ पर है ना अलाउड नहीं है बिल्कुल। ओह, आई सी। मम्मी, अब पापा? बेटा, जो किस्मत में लिखा है, जो नियति में लिखा है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कौन गुरु? हेलो भाभी, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय, सब ठीक तो है? विजय, कुछ भी ठीक नहीं है, इनका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पर? पता नहीं। कौन से हॉस्पिटल में? आरके हॉस्पिटल। कीप पेशेंस, आई एम कमिंग। ठीक है। हौसला रखिए। सॉरी मिसेस भगवती, आपके पति बेहोशी की हालत में। व्हाट? यस इट्स ट्रू, आप लोग प्लीज हौसला रखिए। ये कब तक बेहोशी से बाहर आ जाएंगे? आई कांट से। आने को कभी भी होश में आ सकते हैं, आज, कल या कभी भी। हौसला रखिए भाभी। कैसे हौसला रखूं विजय? भाभी, आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो पिंकी को कैसे संभालेंगी? अब खर्चे बढ़ गए हैं विजय, घर का खर्चा, पिंकी का खर्चा, हॉस्पिटल का भी थोड़ा बहुत खर्चा। इनके अकाउंट में पैसे नहीं बचे हैं, मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है, कैसे होगा ये सब? कुछ करना पड़ेगा। भाभी, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, आप घर चलिए, यहाँ रहने से कोई फायदा तो है नहीं। विजय, क्या तुम मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हो? भाभी, अगर नौकरी नहीं मिली तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, आप तो शादी से पहले भी जॉब करती थी ना। हाँ, लेकिन वो मैंने गुरु के कहने पे नौकरी छोड़ दी थी। मैं कल ही अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत बड़ी मदद होगी विजय, अगर तुम मुझे नौकरी दिला दो। भाभी, इंसान ही इंसान के काम आता है, अब आप थोड़ी देर के लिए चले जाइए और आराम कर लीजिए। नहीं, चंचल होगी वहाँ पर। चंचल? चंचल, मैंने नई मेल रखी है। ठीक किया, पहले वाली को हटा दिया क्या? हाँ, वो सुबह शाम ही आ पाती थी। और पिंकी का काम है, ये है नौकरी। हाँ, मुझे 24 घंटे की मेल चाहिए थी। हाँ तो भाभी, मैं चलता हूँ, जल्द बताता हूँ। ठीक है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। गुरु, तुम्हें कैसे भी करके इस बेहोशी से बाहर आना पड़ेगा।
में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवती, मुझे तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं है। मुझे अब भी पसंद नहीं है और पहले भी पसंद नहीं था। सॉरी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। समय का कोई भरोसा नहीं। बाय। हाय गुरु। हाय कोमल। तुम्हें दो दिन हो गए हॉस्पिटल से आए हुए और तुमने अब फोन ऑन किया। हाँ कोमल, हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। मुझे तो लगा तुम्हारी बीवी चंगी हो गई है, तो इस बुरी आदत की क्या जरूरत? तुम यहाँ आ सकती हो? मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगी जब भगवती तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है, तुम जानती हो। अब तो विजय उसकी आदत बन चुका है, अब तुम सोच लो करना क्या है। क्या बकती हो कोमल, कभी गलत नहीं बोलती। नौकरी भी उसी ने दिलवाई है और देर रात तक नजर भी आती तुम्हारी बीवी उसके साथ। ओह नो। ओह यस। आ गई। हाँ बोलो। सॉरी, ना तो मैं तुम्हारी गाली सुन सकती हूँ और ना ही नौकरी छोड़ सकती हूँ। तुम निकलो यहाँ से और जाओ अपने यार विजय के पास। चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। अगर आज इस दहलीज से उस पार चली गई, तो दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। सोच लो। जा, दूर हो जा, चल मेरी नजरों से। दक्षिणा का फल मुझे मिल ही गया, आखिर माने हमें मिला ही दिया। चलो घर चलते हैं।